खादू जिस तरीके से बैनर पे भी लिखा हुआ है, मैथिली भाषा को मातृभाषा लागू करने के लिए बिहार से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि बिहार से आए हैं चंद्रशेखर ईश्वर जी। प्रधानमंत्री जी के आके ये ज्ञापन सौंपने आए हैं कि मैथिली भाषा को जो है ये मातृभाषा की मांग कर रहे हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं, क्यों आए हैं। मैंने पकड़ा। अच्छा, ये मैथिली भाषा की प्रथम कक्षा से पढ़ाई नहीं हो रही है, और हम 87-89 सत्र में मैथिली भाषा से MA किए थे। उसी समय में बाढ़ आई थी बिहार में, तो हम पर्यावरण विभाग के माध्यम से विश्व बैंक या जो भी हो, पर्यावरण विभाग जो पेड़ लगाती थी सड़क किनारे और पड़ती ज़मीन में, तो मैं PG की जब पढ़ाई कर रहा था तो उस पीरियड में मैं पढ़ाई भी करता और समय बचाकर पेड़ रोपने के लिए जाता था। तो मेरे जो कुछ साथी थे उसमें वो कटाक्ष किया करते थे, जो आप पेड़ PG का विद्यार्थी होकर के लगाने के लिए जा रहे हैं, ये शर्मनाक सी बात है। तो मैं मैथिली में बोलूं या हिंदी में बोलूं, जिसमें सुन हिंदी में बोल दूं। तो मैं बोला, जो आप या प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, कोई भी हो, यदि आधे घंटे के लिए, एक घंटे के लिए ऑक्सीजन यदि ये वातावरण से समाप्त हो जाए तो आप बच सकते हैं या वो लोग भी बच सकते हैं। तो उन्होंने कहा, जो नहीं, ये तो बात संभव नहीं है, तो आप चुप रह जाइए। मैंने कहा, जो आप चुप रह जाइए, मैं तो सभी प्राणियों के लिए, भलाई के लिए न कर रहा हूँ, PG की भी तैयारी कर रहा हूँ और वो भी कर रहा हूँ। और 96 में सेट कंपटीशन मैं पास किया था, दो ही राउंड हुआ था, 95-96। तो 96 में मैं मैथिली भाषा से रांची से सेट कंपटीशन पास किया था। तो लालू जी मैथिली को हटा दिए, तो लालू जी जो हटा दिए से उनके जन्म से पहले से मैथिली भाषा थी, क्यों हटा दिए। और मूर्ख राबड़ी को मुख्यमंत्री बना दिए, तो मैथिली का जो सम्मान होना चाहिए वो तो शिक्षित लोग न जानेगा, और मूर्ख राबड़ी को बना दिए और मैथिली को हटा दिए लालू जी, ये तो अच्छा बात नहीं किए। ये भारत के सभ्यता संस्कृति और संविधान, अंबेडकर जी जो संविधान बनाए, अभी तक कितने संविधान सुधार हुए हैं। उस समय में जो आरक्षण की जो बात हुई थी तो 5-10 साल, अभी तक आरक्षण की बात आ रही है। इससे क्या होता है, देश कमज़ोर होता है, सड़क कमज़ोर होता है, सारी वातावरण कमज़ोर हो जाती है, क्योंकि गलत ढंग से तो ये लोग बहाली कर लेते हैं, सच्चाई ढंग से तो बहाली बहुत कम हो पाती है। क्या प्रधानमंत्री जी से मांग कर रहे हैं, अपनी मांग बता दीजिए। प्रधानमंत्री जी से मांग यही है कि मैं स्पीड पोस्ट किया था, आपसे कहें जो ये भी है मेरे पास, उनका जो मैं स्पीड पोस्ट किया था, उनका ये पर्ची भी है मेरे पास, ऐसे दिखाई दिया। अच्छा, ये स्पीड पोस्ट। हाँ, स्पीड को पोस्ट किए थे मैं प्रधानमंत्री जी को। तो ये 96 में मैं सेट कंपटीशन जो पास किया था, तो 5 वर्ष की जो पंचवर्षीय योजना बनती है, तो स्वास्थ्य शिक्षा वगैरह सभी के लिए, तो 96 में मैं पास किया था, और 87-89 सत्र में, मान के चलिए जो उस समय में मैं पर्यावरण पेड़ जो लगाया था उसका आरक्षण मिलना चाहिए सर्वप्रथम, क्योंकि पेड़ जो प्राण वायु देता है समूह के लिए, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो या साधारण जनता हो, वो प्राण वायु के बगैर जी नहीं सकता है। तो PG का विद्यार्थी कितने परसेंट होंगे जो बहाली नीतीश जी किए हैं, उसमें कितने परसेंट हैं जो वो बहाली किए हैं, जो PG में रहते हुए और पर्यावरण रोपा होगा मजबूरी हालत में, गरीबी हालत में, तो मुझे प्राथमिकता प्रथम मिलनी चाहिए। बिल्कुल हैं, क्योंकि मैंने प्राण वायु दिया है, प्राण वायु का मैंने लगाया है, तो इसके लिए इसकी भी मिलनी चाहिए। और कक्षा प्रथम से मिथिलाक्षर की पढ़ाई होनी चाहिए, मिथिलाक्षर जो भाषा लिपि है उसकी पढ़ाई होनी चाहिए।
अगर ये डिमांड्स आप लोग काफी दिनों से, मैंने देखा है जंतर मंतर पर काफी संगठन आते हैं मैथिली भाषा की जो है डिमांड करते हैं, फिर भी सरकार नहीं सुन रही है, क्यों, क्या लगता है आपको, क्या रीजन क्या है इसका? राजनीतिक गड़बड़ी है। श्रीमती गांधी नहीं चाहती थी, श्रीमती गांधी भी नहीं चाहती थी और पंडित नेहरू भी नहीं उतना चाहते थे, और लालू जी जी हटाए हैं ये भी नहीं चाहते, क्योंकि ये दक्षिण बिहार के हैं और मैथिली भाषा पड़ जाती है आपको दरभंगा। जब 62 में चीन से लड़ाई हुई थी तो उस समय में 11 मोन सोना दिए थे कामेश्वर सिंह, जो जिससे देश की आर्थिक स्थिति संभली थी। तो उस यूनिवर्सिटी में जो ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी जो बनी है वो कामेश्वर सिंह की ही जो बनी हुई मकान है उसी में बनी हुई है, ललित बाबू के नाम पर में। अच्छा, अब आप लास्ट में डिमांड और बोल दीजिए। डिमांड के संबंध में यही है कि जो 95-96 में सेट कंपटीशन पास किया था, पीएचडी तो पैरवी के बदौलत भी लोग डिग्री ले लेते हैं, लेकिन नेट और सेट जो है सो पैरवी के बदौलत नहीं होता है। और पर्यावरण मैंने जो लगाया था तो प्राणवायु दिया ना, तो इसकी भी आवश्यकता है, और आरक्षण के तहत क्योंकि मैंने पेड़ लगाया तो कितने प्रतिशत होंगे नेट और पीएचडी वाले, पीएचडी तो पैरवी के बदौलत होते हैं, तो मैंने जो लगाया था पेड़ उसके संदर्भ में भी सोचना होगा और उसके तहत आरक्षण। कक्षा प्रथम से सुभाष बाबू को बाद में देश रत्न की उपाधि दी गई और राजीव गांधी को पहले दिया गया, वही हाल मेरे साथ भी है। राजीव गांधी सुभाष बाबू के तुलना में क्या देश के लिए किए? अच्छा, अब आप जो है किने किने ज्ञापन सौंपेंगे आज? आज ये प्रधानमंत्री जी को मैं कहना चाहता हूँ, ज्ञापन उन्हें सौंपने आए प्रधानमंत्री जी के, हाँ, किने और जो शिक्षा मंत्री हैं उनको ये सब, हाँ हाँ हाँ, उन्हीं के माध्यम से। अगर ये इस पे भी आप लोगों की सुनवाई नहीं होती आज, हाँ, तो आप ज्ञापन सौंपेंगे तो फिर आगे आप लोगों का क्या रणनीतियाँ क्या हैं आप लोगों की? मैं तो अकेला हूँ, अकेला अकेले लड़ाई लड़ रहा हूँ और आगे भविष्य में जो होना होगा। ये प्रधानमंत्री जी सुनेंगे, अटल जी जो दे गए हैं उस झंडा को आगे बढ़ाने के लिए मोदी जी तो होना चाहिए तैयार, नहीं होंगे तो उनको भी जिस तरह से 77 में श्रीमती गांधी को राजनारायण एक बार हराया था और झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में ये गाना गाया था, वो हाल हो जाएगी मोदी जी को भी।